छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से बहुजन समाज पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी है। 2023 के अंत में छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पिछली बार बहुजन समाज पार्टी ने अजीत जोगी की पार्टी जोगी कांग्रेस के साथ गठबंधन करके मैदान में उतरी थी और बहुजन समाज पार्टी 2 सीटों पर मजबूती के साथ जीत हासिल की थी और उसके अलावा बहुजन समाज पार्टी कई सीटों पर 2 नंबर पर रही थी। बहुजन समाज पार्टी के लिए छत्तीसगढ़ अच्छा राज्य है क्योंकि यहीं से मान्यवर साहब कांशीराम जी ने भी चुनाव लड़ा था। दरअसल आपको बता दें कि इसके बाद अब बहुजन समाज पार्टी 2023 के चुनाव में जुटी हुई है। बीएसपी के राज्यसभा सांसद और रामजी गौतम यहाँ के छत्तीसगढ़ के मुख्य प्रभारी है, उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सहित तमाम नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी अपने अपने काम में जुटे हुए हैं। बताया जा रहा है कि 15-14 तारीख को रामजी गौतम छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे 14 जून को, और 14 जून के दिन वो यहाँ पर जो पार्टी के 2 विधायक हैं इंदु बंजारे और केशव चंद्रा, उनकी टिकट है वो कंफर्म कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि बाकी अन्य जो सीटें हैं जिन पर मजबूत कैंडिडेट है उनके नाम भी फाइनल किए जा सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से ये कवायद है वो अभी से शुरू कर दी गई है कि जिन सीटों पर मजबूत कैंडिडेट है, मजबूत प्रत्याशी है, उन सीटों के ऊपर आपको बता दें कि उनके कैंडिडेट मैदान में उतारे जा रहे हैं और लगातार आपको बता दें कि प्रत्याशी सूची के तौर पर उन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है और बहुजन समाज पार्टी बाकी सीटों के ऊपर जल्द ही अपने प्रत्याशी घोषित करेगी।